हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेक्सीएस इंजीनियरिंग। आई एम प्रोफेसर हिमांशी अग्रवाल। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट कंटिन्यू स्टेटमेंट इन सी, सी प्लस प्लस, सी हैज जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज आप सभी स्टूडेंट ओवरव्यू समझने वाले हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का, जो कि इन सभी लैंग्वेजेस में सी, सी प्लस प्लस, सी है, जावा, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि जो भी इस वीडियो में या इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपके लिए एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आया है जिसमें आपको फुल ऑफ नॉलेज दी जाएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को एक और बात बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपकी किसी क्वेश्चन पर आपको एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, आप में से किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए हो तो फ्रीली कॉन्टेक्ट करें मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, आई विल ट्राई टू कवर योर each and every questions in your next video. Okay, all links are in links gives in your comment box, so you fetch and subscribe this channel so reach to my new videos easily. Okay, this is your biggest beneficial course for technical students who wants to learn about beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. I uploaded some videos related to this course on this channel. I uploaded complete looping statement, complete conditional statement, complete if else statement videos, complete overview of programming tutorial videos. So quickly these videos, share this course to your friend, quickly watch these videos, share to the our friends, share to your college friends. This course move fastly to quickly subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay, तो बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या बात करता है। ओवरव्यू आप सभी आज इस वीडियो में समझने वाले हैं किस चीज का, कंटिन्यू स्टेटमेंट का आप ओवरव्यू आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में जरूर से बने रहें, आपको हर एक एक पॉइंट्स कंटिन्यू स्टेटमेंट से रिलेटेड अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इसमें होने भी वाला है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा इस वीडियो को देखने में, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस सिंगल वीडियो में आपके हर एक डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आवर टॉपिक। सो नाउ वी स्टार्ट टुडे सेशन। Today's our topic is continue statement in C, C++, C has Java, Python programming language. Okay. अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। वन बाय वन इन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, इन पॉइंट्स में क्या दिया हुआ है और कैसे कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो वन बाय वन हम इस स्लाइड के एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते जाते हैं। ओके, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। प्रोग्राम कंट्रोल को लूप की शुरुआत में लाने के लिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट स्किप some lines of code inside the loop and continue with the next iteration. Continue statement loop के अंदर के code की कुछ lines को skip करके next iteration को execute करा देता है। It is mainly used for conditions so that we can skip some code for a particular conditions.
कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज ज्यादातर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कुछ कोड को स्किप करने के लिए किया जाता है। जैसे आपको लगता है कि आपकी एक टाइम बाद आपकी ये कंडीशन इस लूप में शायद फुलफिल ना भी हो, तो आप वहां पर एक कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाएंगे तो आपका अगला इटरेशन रुक कर चलने लगेगा, इसलिए भी कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। द कंटिन्यू, अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज टू कंटिन्यू लूप। जैसे कि मैंने अभी बताया कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कोड की कंडीशन, कोड की कुछ लाइंस को स्किप करके लूप को कंटिन्यू करा देता है, वही है कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज। लूप को दोबारा से नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। इट कंटिन्यूज द करेंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड स्किप द रिमेनिंग कोड ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन इन केस ऑफ इनर लूप। इट कंटिन्यूज ओनली इनर लूप। ओके, कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम का करेंट फ्लो का, कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम का करेंट फ्लो को भी कंटिन्यू कराता है। और अगर आपको लगता है कि कोई कंडीशन आपको लूप में फॉल्स हो सकती है, कोई कंडीशन आपके लूप में फॉल्स हो सकती है, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी, तो आप वहां पर भी इस लूप के स्टेटमेंट को लगा सकते हैं। बट उस पर्टिकुलर कंडीशन के फॉल्स होने के बाद भी लूप को चलाना है, आपको लगता है कि आपके लूप के भी इटरेशन पूरी नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही आपका जो कंडीशन है, आपने जो लूप के अंदर एक और कंडीशनल स्टेटमेंट को बनाया है, अगर वो फॉल्स होने की संभावना है लूप के इटरेशन के कंप्लीट होने से पहले, तो आप वहां पर उसके स्टेटमेंट के लिखने से ऊपर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं। या फिर जहां भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो सकती है तो वहां पर भी आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो हम प्रोग्राम वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, इसे लगाने से क्या होता है, जैसे जहां भी आप कंडीशन फॉल्स होती है आपकी, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़ के आपका कोड जो है, यानी आपका लूप जो है, नेक्स्ट इटरेशन से चलने लगता है, इसलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाया जाता है कि अगर कोई भी कंडीशन अगर फॉल्स हो रही है तो उससे हमारे लूप पर कोई इफेक्ट ना हो। लूप के बीच में काफी सारी कंडीशंस दी हुई है लूप के अंदर, तो उनमें से अगर कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी है कि जिसकी संभावना लूप के इटरेशन पूरे होने से पहले ही फॉल्स होने की हो, तो वहां पर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, यू कैन यूज सी, सी प्लस प्लस, सी हैज एंड जावा कंटिन्यू स्टेटमेंट इन ऑल टाइप ऑफ लूप सच एज फॉर लूप, व्हाइल लूप और डूवाइल लूप। कहने का मतलब है सी, सी प्लस प्लस, सी हैज और जावा लैंग्वेज में कंटिन्यू स्टेटमेंट को सभी प्रकार के लूप में यूज किया जा सकता है, फिर चाहे वो लूप हो या व्हाइल लूप हो या फिर डू व्हाइल लूप हो, क्यों जो व्हाइल लूप भी क्यों ना हो। ओके, सभी प्रकार के लूप्स में इसको यूज किया जाता है ना, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज आप किसी भी लूप पे कर सकते हैं, चाहे वो सी का हो, सी प्लस प्लस का हो, सी हैस का हो, जावा का हो, पाइथन का भी हो। पाइथन में दो लूप माने जाते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप, है ना। डू व्हाइल लूप पाइथन में नहीं होता है और इन सब में डू व्हाइल लूप भी होता है, तो आप किसी भी लूप में कहीं भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या बता रहा है। इन पाइथन द कंटिन्यू कीवर्ड रिटर्न कंट्रोल ऑफ द इटरेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द पाइथन टू द बिगिनिंग ऑफ द पाइथन फॉर लूप और पाइथन व्हाइल लूप। All remaining lines in the privileged iteration of loop are skipped by the continue keyword, which return execution to the beginning of the next iteration of loop. Okay. Python language में continue statement को सभी प्रकार के loop में use किया जा सकता है, फिर चाहे वो for loop हो या फिर while loop हो Python का,
तो डू वाइल लूप पाइथन में होता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। और मैंने आपको अभी डू वाइल लूप के बारे में बताया अभी तक, कि डू वाइल लूप ओनली सी, सी प्लस प्लस, सी है और जावा में होता है, बट पाइथन में नहीं होता है। तो पाइथन के जो होते हैं वो होते हैं फॉर लूप और वाइल लूप। ओके, आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी लूप के अंदर अगर आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं तो आप वहां फ्रीली कर सकते हैं। ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि आपको किसी लैंग्वेज में एक पर्टिकुलर लूप में आप ये स्टेटमेंट नहीं चला सकते, तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। आप कोई कहीं भी किसी भी कोड में, आप लूप के कोड में आप इस कंटिन्यू स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हो। ओके, जैसा कि मैंने अभी सी, सी प्लस प्लस, सी है और जावा लैंग्वेज में बताया था कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कोड की कुछ लाइंस को स्किप करके लूप को कंटिन्यू कर देता है, वैसे ही पाइथन लैंग्वेज में होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज लूप को दोबारा से नेक्स्ट इटरेशन से कंटिन्यू करने के लिए किया जाता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रोग्राम का करंट फ्लो को भी कंटिन्यू कराता है। और अगर आपको लगता है कि कोई कंडीशन आपके लूप में फॉल्स हो सकती है, बट आपको उस पर्टिकुलर कंडीशन के फॉल्स होने के बाद भी अपने लूप को चलाना है, तो आप वहां पर लूप के बीच में ही आप कंटिन्यू स्टेटमेंट को अपने कोड में यूज कर सकते हो, जिससे जहां भी कंडीशन फॉल्स हुई है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को छोड़कर आपका लूप नेक्स्ट इटरेशन में चल सके। यही सब पाइथन लैंग्वेज में भी होता है। आई थिंक आप सभी स्टूडेंट, आई थिंक आप सभी को कंटिन्यू स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट करता क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप में करता क्या है, किस लिए लूप के लिए लगाया जाता है, किस वजह से हम इसे लूप में कॉल कर रहे हैं। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड सर्कल्स, टेक्निकल फ्रेंड सर्कल्स, प्रोफेशनल फ्रेंड सर्कल्स, इन होल फ्रेंड सर्कल्स हु नीड टू इम्प्रूव अवर टेक्निकल स्किल्स। ओके, हु वांट्स टू लर्न प्रोग्रामिंग फुल कोर्स, हु वांट्स टू इम्प्रूव अवर प्रोग्रामिंग स्किल्स, शुड नाउ सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकॉन फॉर नोटिफाइड माई लेटेस्ट वीडियोज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपलोडेड वीडियोस।